subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। आज की क्लास में अपन लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकृति की होती हैं। यहाँ पर अपने पास चार ऑप्शन हैं, ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी ए और बी बोथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, वो होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, आपको मैंने ध्वनि में बताया था, ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि है अपनी अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ के अंतर्गत मैंने आपको बताया था प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं। ठीक है, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ के अंतर्गत आती हैं, तो इसको याद रखिएगा आप, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी किसने दी थी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जेम्स प्लांक मैक्सवेल ने ये बताया था प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन लोग क्या फोटोन के नाम से जानते हैं। तो ये थ्योरी जेम्स प्लांक मैक्सवेल ने ही दी थी कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर कुकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आला, याद रखिएगा ना। सोलर कुकर किस विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से कार्य करता है। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे बहुत से लोग कि सूर्य से तो परावैगनी किरणें निकलती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ऑप्शन क्या है, ए अवरक्त, बी परावैगनी, सी ए और बी बोथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ से गर्मी का एहसास अपन को किस तरंग के माध्यम से होता है, किस किरण के माध्यम से होता है, वो होता है अवरक्त के माध्यम से। तो सोलर कुकर में जब गर्मी बनती है उससे खाना पकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोलर कुकर अवरक्त किरण के माध्यम से कार्य करता है। देखिए सूर्य से निकलती तो परावैगनी किरणें हैं, लेकिन जो सोलर कुकर है वो अवरक्त किरण के माध्यम से कार्य करता है, इस बात को विशेषता याद रखिएगा। ठीक है, परावैगनी किरणों की अपन लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य से परावैगनी किरणें निकलती हैं, ठीक है, उससे रक्षा कौन सी गैस का, कौन सी परत करती है, ओजोन परत, ओजोन लेयर जो है वो पराबैंगनी किरणों से अपन को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब थोड़ी सी अपन ये चर्चा और कर लेते हैं कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको बताया था अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी J.W. रिटन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। सर्वाधिक लंबाई वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। ऑप्शन ए गामा, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी अवरक्त किरण। तो मैंने आपको सबकी वेवलेंथ बताई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था वे तरंगें जिसकी तरंग दैर्ध्य 10^-14 से, वे तरंगें जिसकी तरंग दैर्ध्य 10^-14 से 10^4 मीटर तक होती है, वे कहलाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, तो इसमें अपन लोग बात करते हैं तो गामा किरणों की, गामा किरणों की कितनी होती है, मैंने आपको बताई थी 10^-14 से 10^-10 मीटर। देखिए ये तो माइनस में चल रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है, सर्वाधिक लंबाई वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो माइनस वाला तो लंबी हो नहीं सकती ना, ये तो माइनस में चल रही हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सी आती है, मैंने कोडिंग बताई थी गामा एक्स पर देखा अवरक्त रेडियो पर। तो रेडियो की मैंने बताई थी कितनी होती, 1 मीटर से 10^4 मीटर, मैंने आपको ये बताया था, मैंने टोटल बताया था 10^-14 से 10^4 मीटर तक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो यहाँ पे गामा की कितनी होती है 10^-14 से 10^-10 मीटर, और रेडियो तरंगों की कितनी होती है 1 मीटर से 10^4 मीटर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगें, मतलब सर्वाधिक लंबाई वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, रेडियो तरंग है। और यदि ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे कम लंबाई वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पे गामा की मैंने आपको वेवलेंथ बताई थी कितनी होती है, 10^-14, 10^-10, तो यहाँ पे सबसे कम वाली पूछी जाएगी तो गामा हो जाएगी, और सबसे अधिक वाली पूछी जाएगी, लंबाई वाली पूछी जाएगी, तो वो हो जाएगी रेडियो तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मानव के लिए सबसे ज़्यादा घातक कौन सी तरंग होती है।
मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने, गामा, पराबैंगनी, अवरक और दृश्य। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा घातक होती है गामा किरणें। मैंने आपको ये भी बताया था कि 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर कोई भेज सकती है। जब लोहे की चादर को भेज सकती है तो मानव क्या है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना क्या होगा, मानव के लिए सबसे ज़्यादा घातक कौन सी तरंग होती है, तो वो होती है गामा किरणें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पराबैंगनी तरंगों की खोज, पराबैंगनी तरंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डब्ल्यू रॉन्टजन, जे डब्ल्यू रिटर, हेनरी बेकरन या विलियम हर्सेल। तो आपको मैंने जब बताया था, कोडिंग बताई थी, सबकी खोज के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जे डब्ल्यू रिटर ने। अगर बात करें डब्ल्यू रॉन्टजन की, तो डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्सरे खोजी थी, ठीक है। और हेनरी बेकरल की बात करें तो इन्होंने गामा खोजी थी, ठीक है। विलियम हर्सेल की बात करें तो इन्होंने अवरक्त किरण की खोज की थी। तो पराबैंगनी तरंगों की खोज किसने की थी? जे डब्ल्यू रिटर्न ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है? अभी मैंने सोलर कुकर वाला आपको बताया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य करता तो है पराबैंगनी तरंगें उत्पन्न, लेकिन जो सोलर कुकर है वो अवरक्त किरण के माध्यम से गर्म होता है और खाना पकता है। याद रखिएगा, सूर्य कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है? वो पराबैंगनी तरंगें उत्पन्न करता है, जिससे ओजोन परत अपन की रक्षा करती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी अवरक्त, ऑप्शन डी पराबैंगनी। देखिए, पहले एक क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी होती है, तो उसका मैंने आपको आंसर बताया था रेडियो। और सबसे ज़्यादा छोटी कौन सी होती है, तो मैंने उसका बताया था आपका गामा। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव के लिए घातक होती है गामा किरणें, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों में, लेकिन वेवलेंथ इसकी सबसे छोटी होती है। लेकिन जो घातक सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा गामा किरणों में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की? मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि रेडियो तरंगें, सबसे पहले आपको बताया था, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लघु, एक होती है दीर्घ। तो इसमें ऑप्शन अपने हैं मार्कोनी, हेनरी हर्ट्ज, न्यूटन और हेनरी बेकरल, ठीक है। तो लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी हेनरी हर्ट्ज ने। मैंने आपको ये बताया था कि लघु रेडियो तरंगों को हर्ट्ज़ियन वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हेनरी हर्ट्ज ने लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी। अब मार्कोनी की बात करते हैं, तो इसने दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की थी। न्यूटन चली हटाइए, हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी? गामा किरणों की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में समावेश होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में समावेश होता है विद्युत चुंबकत्व ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब इसमें विद्युत और चुंबकत्व दोनों होगा। मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के अनुलंबवत चलती हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे के अनुलंबवत चलती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अपन लोग क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने शुरू किया था कि इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किन तरंगों के माध्यम से मनुष्य किसी वस्तु को देख पाता है या देख पाने में सक्षम होता है। अपने पास चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसी के साथ अपना तरंग टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया था, ध्वनि पढ़ाई थी, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाई थी, मतलब तरंग टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।